कैसे हो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल वर्मा। स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज की मूवी एक फाइटर की है जिसका दिमाग हिला हुआ है। इस फाइटर को या तो गुस्सा आता नहीं और आता है तो जाता नहीं। मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 2024 में ही रिलीज हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आएगी, सो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर इलीगल फाइट चल रही थी, तभी वहां फ्रैंकी नाम की एक लड़की फाइट देखने आती है, क्योंकि इसको अपने बार के लिए एक बाउंसर चाहिए था। ये जिसके लिए यहां आई थी वो तो फाइट में मार खा रहा था। तभी वहां एंट्री होती है अपने हीरो की, क्योंकि ऐसी फाइट में अक्सर जीतने वालों की तरफ से ऑडियंस को फाइट के लिए चैलेंज किया जाता है, ताकि अगर किसी में दम हो तो फाइट जीते और पैसे ले जाए। फिर अपना हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा फाइटर सोचता है इसको तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। फिर जब अपना हीरो कपड़े उतारता है तो दूसरा फाइटर उसको देखकर लड़ने से मना कर देता है। फिर वो अपनी हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब उसकी अपने हीरो को देखकर क्यों फट रही थी ये तो आपको आगे बताऊंगा। फिर बिना लड़े ही अपना हीरो जीत जाता है और उसको फाइट के लिए पैसे मिल जाते हैं। फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तो वहाँ एक बदमाश आता है जिसने इस फाइट में पैसे लगाए थे। वो बिना कोई बात किए अपने हीरो के पेट में चाकू मार देता है। फिर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंकी आती है। वो कहती है अंदर सबको अच्छा पोपट बनाया तुमने, तुम्हारी पहचान जानते ही फाइटर लड़ने से मना कर देते हैं, इसीलिए तुम पहले अपनी पहचान छुपा कर आते हो। फिर वो देखती है उसके पेट में चाकू लगा है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो अपने घाव पर शराब छिड़कता है और उसके ऊपर टेप लगा लेता है। फ्रैंकी कहती है मैं फ्लोरिडा कीज में एक रोड हाउस की मालकिन हूँ, आजकल वहाँ कुछ गुंडे आकर हंगामा करते हैं फिर तोड़फोड़ करते हैं, ये उनका रोज का ड्रामा है, पुलिस कुछ नहीं करती, इसी चक्कर में कोई बाउंसर भी नहीं टिकता। अगर तुम मेरे लिए वहाँ बाउंसर बनोगे तो मैं तुम्हें हर हफ्ते के $5,000 दूंगी और रहना खाना फ्री। अपना हीरो मना कर देता है। फिर फ्रैंकी वहाँ से चली जाती है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो आगे ट्रेन आने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो अपनी कार को वहीं पर खड़ी कर देता है। अपने इस घोंचू को ये नहीं पता था कि ये अपनी जान से प्यारी कार लेकर पटरी के ऊपर ही खड़ा है। फिर जब ट्रेन आने लगती है तो उसको देखकर ये अपनी खटारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये खटारा स्टार्ट ही नहीं होती। फिर ट्रेन उसको ठोक देती है। हीरो कार के स्टीयरिंग को टाइटली पकड़ लेता है, इसीलिए इसको खरोच भी नहीं आती। अब इसके रहने की छत छिन गई थी, इसीलिए ये फ्रैंकी के पास जाने की सोचता है। फिर ये फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ता है। इस हीरो का नाम है एलवुड डाल्टन, एक बहुत ही कूल फाइटर। तभी इसकी मुलाकात चार्ली नाम की एक लड़की से होती है जो एक किताब घर चलाती है। वो डाल्टन को फ्री में एक बुक पढ़ने के लिए देती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। डाल्टन बताता है कि रोड हाउस बार की मालकिन थोड़ी मुसीबत में है, उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ चार्ली के पापा आ जाते हैं। फिर डाल्टन उनसे रोड हाउस का एड्रेस पूछता है। वो बताते हैं कि इसी लाइन में थोड़ी आगे जाकर है। डाल्टन उनसे इस किताब के पैसे पूछता है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है। उसके बाद डाल्टन पैदल ही रोड हाउस की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलकर उसे रोड हाउस का बोर्ड दिख जाता है। जब डाल्टन इस बार के अंदर जाता है तब चार्ली उसे देख लेती है। फिर डाल्टन लोरा से कॉफी मांगता है। उस बार में रीफ और बिली नाम के दो और भी लड़के काम करते थे। बिली डाल्टन को कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इतने में डाल्टन की कॉफी भी आ जाती है। डाल्टन कहता है मुझे ये जगह पसंद आई, कितनी शांति है यहाँ। तभी वहाँ दो लोगों में लड़ाई हो जाती है। फिर उनकी लड़ाई छुड़ाने के चक्कर में ये लड़ाई बढ़कर 5-7 लोगों में फैल जाती है। फिर बिली उन लोगों को शांत करवाता है और बाहर भेज देता है। डाल्टन ये सब कुछ बैठा बैठा आराम से देख रहा था। वो अपनी कॉफी पी रहा था और म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ बाइक पर कुछ छपरी लोग आ जाते हैं। बार के अंदर जाकर वे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डाल्टन नोटिस करता है कि इस बार की मालकिन फ्रैंकी ऊपर खड़ी खड़ी सब देख रही है। फिर जब उनमें से एक छपरी जिसका नाम डेल है वेट्रेस को परेशान करता है तो डाल्टन उसके पास जाता है। वो बिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो छपरी कहता है क्या बे, जब से अपुन आया है तू बस स्माइल करे जा रहा है, दिमाग से पैदल है क्या। फिर डाल्टन कहता है वो बाहर खड़ी बाइक तुम्हारी है क्या। उनमें से एक छपरी कहता है हाँ। फिर जैसे ही डाल्टन बाहर जाने लगता है तो वे भागकर उसके पीछे आते हैं। फिर डाल्टन से पूछता है तू चाहता क्या है। डाल्टन कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोग चुपचाप यहाँ से फूट लो। फिर बार में से सब लोग बाहर तमाशा देखने आ जाते हैं। डाल्टन पूछता है तुम सब लोगों का इंश्योरेंस तो हुआ है ना। फिर वो फ्रैंकी से पूछता है यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है। उनमें से एक छपरी बताता है कि करीब 25 मिनट दूर है। फिर डाल्टन उन सभी छपरियों की थप्पड़ से पिटाई कर देता है और डेल को कहता है चल मैच ड्रॉ करते हैं। डेल पूछता है ये ड्रॉ क्या होता है।
फिर उसका आदमी बताता है कि ये भी जीतने जैसा ही होता है, ना तू जीता ना मैं जीता। फिर जब वो छपरी नहीं मानते तो डेल्टन उन सबको एक दो फटके देता है। फिर वो कहता है खड़े हो जाओ यारो, मैंने इतना भी नहीं मारा। फिर वो फ्रैंकी से उसकी कार मांगता है और उन सबको कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रिसेप्शन पर नर्स पूछती है क्या ये सब आपके दोस्त हैं? डेल्टन कहता है नहीं, दरअसल मैंने ही इन सब की पिटाई की है। तभी वहाँ एली नाम की डॉक्टर आती है। वो डेल्टन को नए पेशेंट लाने के लिए थैंक यू कहती है। वो डेल्टन को कहती है तुम अपने शौक के लिए लोगों को मारते हो ना? डेल्टन कहता है नहीं, पैसों के लिए। तभी एली गौर करती है कि डेल्टन के पेट पर चोट लगी है। फिर वो उसको अंदर ले जाती है और उसके जख्म को साफ करके वहाँ बैंडेज लगाती है। बार में रीस और बिली डेल्टन से काफी इम्प्रेस थे। तभी डेल्टन के पास फ्रैंकी आती है और वादे के मुताबिक उसको एक हफ्ते के पैसे देती है। फिर वो डेल्टन को कहती है यहाँ पास में ही एक होटल है, तुम वहाँ अपने लिए रूम ले सकते हो। लेकिन डेल्टन कहता है पास में ही बीच पर एक बोट खड़ी है, वो किसकी है? फ्रैंकी कहती है तो हमारी ही, लेकिन तैरती नहीं है। तुम वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन ध्यान से, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी है। फिर डेल्टन उस बोट में बने कैबिन की सफाई करता है और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर उसमें शिफ्ट हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसको मगरमच्छ से सावधान रहने के लिए कहता है। फिर रात को सोते समय डेल्टन फाइट के ही सपने लेता है। जब सुबह हो जाती है तो लोरा आकर उसको जगाती है। वो डेल्टन को कहती है तुम मुझे अपनी बहन समझो। फिर वो उसे खाने के लिए खाना देती है जो वो स्पेशल उसके लिए ही बनाकर लाई थी। वो बताती है तुमसे पहले यहाँ कई बाउंसर आए थे लेकिन आज तक कोई भी टिक नहीं पाया। मैं भी यहाँ से जाने वाली थी लेकिन अब तुम आ गए, शायद अब मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब थोड़ी देर बाद डेल्टन बुक शॉप पर जाता है तो हर कोई उसको उसके नाम से बुलाकर हेलो कहता है। वो वहाँ चार्ली से मिलने गया था। फिर चार्ली उसे कहती है मुझे मार्टिन होली की एक बुक मिली है जो कि उसने तुम पर ही लिखी थी, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर वो चार्ली का कंप्यूटर यूज करता है लेकिन तभी बाहर से किसी के लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई देता है। चार्ली अपना बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाती है। बाहर वही छपरी थे जो पिछली रात डेल्टन से मार खा कर गए थे। चार्ली उनको वहाँ से भागने के लिए कहती है लेकिन वे छपरी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब डेल्टन बाहर जाकर देखता है तो वे छपरी उसको देखकर वहाँ से खिसक लेते हैं। अगले सीन में हम ब्रायन नाम के एक गुंडे को देखते हैं। वो उन सभी छपरियों का बॉस था। वो उनको कहता है कि तुम सभी एक बंदे से मार खा कर आ गए, अब तक तो तुम लोगों को वो बार तोड़ देना चाहिए था। एक छपरी कहता है बॉस उन्होंने एक नया बाउंसर रखा है, वो बहुत ही तमीज से बात कर रहा था लेकिन अचानक उसने हम सबको फोड़ डाला। तभी बार में एक आदमी को सॉन्ग पसंद नहीं आता, फिर वो वहाँ पर गाली गलौज करने लगता है। उसकी किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। फिर डेल्टन बिली को कहता है इस लाल शर्ट वाले के पास एक चाकू है, संभल कर जाना। जब वो चाकू निकाले तो एक कदम पीछे होकर उसे जोर से पंच मारना। फिर बिली लड़ाई छुड़ाने के लिए जाता है। रेड शर्ट वाला जब चाकू निकालता है तो बिली एक कदम पीछे होकर उसे जोर से पंच देता है। फिर डेल्टन उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। डेल्टन बिली को भी लड़ाई के हुनर सिखा रहा था ताकि ये दाव पेच उसके काम आए। शराबियों को बार से बाहर फेंकने का उसका रोज का काम था। यहाँ अक्सर लोग शराब पीकर आपस में ही झगड़ने लगते थे। रात को फिर से वहाँ पर वे छपरी लोग आते हैं लेकिन डेल्टन को देखकर वापस भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर एली रोड हाउस बार में आती है। डेल्टन को देखकर वो डेल्टन के पास आकर बैठ जाती है। फिर उनमें थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें होती है। दिन बीत जाता है। जब रात को डेल्टन छुट्टी करके वापस जाता है तब डेल नाम का छपरी डेल्टन को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है। फिर वो डेल्टन को पानी में फेंक देता है। डेल्टन किसी तरह से बचकर वापस अपनी बोट में आ जाता है लेकिन जब वो बोट के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर डेल गन लेकर बैठा हुआ था। वो डेल्टन को शूट करने ही वाला था तभी डेल्टन उसे उठाकर बोट से बाहर फेंक देता है। डेल पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ पर मगरमच्छ आ जाता है। डेल्टन डेल को ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन मगरमच्छ उसको खा जाता है। फिर अगले दिन सुबह वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पानी में मगरमच्छ की तलाश करती है। उनको ना तो मगरमच्छ मिलता है और ना ही डेल की बॉडी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं डेल्टन जब चार्ली के बुक हाउस से बाहर निकलता है तब जैक नाम का एक बदमाश उसको गन दिखाकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। डेल्टन पूछता है कहाँ? जैक कहता है मेरे बॉस ब्रायन ने तुम्हें बुलाया है। डेल्टन कहता है आज मेरा मूड नहीं है। जैक कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पास गन है। डेल्टन कहता है हाँ तुमने कोशिश तो की थी मुझे गन दिखाकर डराने की पर मैं डरा नहीं। फिर वो जैक के पास जाकर पूछता है तुम पियानो तो नहीं बजाते ना? जैक कहता है नहीं पर क्यों? फिर डेल्टन उसके दोनों हाथ की पहली दो उंगलियां तोड़ देता है। फिर वहां पर सैम आ जाता है। डेल्टन पूछता है तेरी गन कहाँ है?
वो कहता है कार में। डल्टन कहता है तो इसको भी उठा और कार में ले जा और अपने बॉस को कह देना मुझसे मिलना है तो रोड हाउस आ जाए। फिर जब वो रोड हाउस जाता है तो उसके पास फ्रैंकी आती है। वो कहती है डेल की मौत की न्यूज सुनकर मुझे खुश तो नहीं होना चाहिए पर मैं बहुत खुश हूँ, वो मुझे महीनों से परेशान कर रहा था। डल्टन पूछता है वो तुम्हारे रोड हाउस के पीछे क्यों पड़ा था। फ्रैंकी कहती है पता नहीं, शायद इन जैसों का काम ही यही है, दूसरों को परेशान करना। दूसरी तरफ जैक अपने बॉस ब्रायन को जाकर बताता है कि उस लफंगे ने मेरी उंगलियां तोड़ डाली और मेरी गन भी छीन ली। पास में बैठा हुआ विंस कहता है शुक्र कर तुम मगरमच्छ के पेट में नहीं गया। फिर ब्रायन कहता है यहाँ मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली है और तुम लोगों को हंसी आ रही है। तभी उसके बाप का फोन आता है। उसका बाप कहता है उल्लू के पट्टे। ये सुनकर ब्रायन फोन को पानी में फेंक देता है और जैक को कहता है जा मेरा फोन ढूंढ कर ला। ये है नॉक्स। ये एक नंबर का उठाई गिरा छपरी नल्ला और ताकतवर फाइटर है। इसके पास ब्रायन के बाप का फोन आता है। वो इसको कहता है मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तू अभी की अभी फ्लोरिडा आ जा। अगले दिन सुबह एली एक बोट लेकर डल्टन के पास जाती है और बताती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की बोट है, वो एक पुलिस वाला है। फिर वो डल्टन को घुमाने ले जाती है। बीच समंदर जाकर वो बोट को बंद कर देती है और फिर वे नीचे उतर कर वहाँ चिल मारते हैं। जब एली उससे पर्सनल सवाल पूछने लगती है तो डल्टन वहाँ से खड़ा हो जाता है और वापिस चलने के लिए कहता है। डल्टन कहता है देखो तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। एली कहती है तुम साधारण इंसान नहीं हो बल्कि काफी फेमस हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी नॉक्स फ्लोरिडा आ जाता है। वो सीधा ब्रायन के अड्डे पर जाता है। वहाँ आकर वो ब्रायन के आदमियों से झगड़ने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है। वो नॉक्स से पूछता है तू कौन है बे। नॉक्स कहता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। फिर वो उसके मुंह पर एक घूसा मारकर कहता है यही भेजा था, आज से मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे तुम्हारे बाप ने भेजा है। ब्रायन कहता है तू जाके मेरे बाप को बोल दे यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। नॉक्स पूछता है मुझे वो बाउंसर कहाँ मिलेगा, टपकाने का है उसको। ब्रायन कहता है नहीं मैं उसको अपने आप रास्ते से हटा दूंगा। नॉक्स कहता है जा दिया तुझे एक मौका। दूसरी तरफ एली डल्टन को वापस उसकी बोट के पास छोड़ देती है। तभी वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं, वे उसको पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और एली जाते जाते ये सब देख लेती है। वे पुलिस वाले डल्टन को शेरिफ के पास ले जाते हैं। फिर शेरिफ कार में आकर बैठ जाता है। वो डल्टन को कहता है यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ दोस्त। डल्टन कहता है दोस्त कभी जाने को नहीं बोलते। शेरिफ कहता है लगता है मुझे तुमको गिरफ्तार करना पड़ेगा, फिर जेल के अंदर कोई तुम्हें चाकू घोंप देगा, फिर तू मरता मरता यही सोचेगा काश मैं शेरिफ की बात मान लेता। डल्टन कहता है आपको कोई और स्टोरी बनानी पड़ेगी क्योंकि इस स्टोरी से मैं बिल्कुल नहीं डरा। फिर पुलिस वाले उसको कार से बाहर निकालते हैं और लातों से पीटने लगते हैं। फिर शेरिफ उसके ऊपर गन तान देता है लेकिन तभी वहाँ एली आ जाती है। वहाँ आकर वो शेरिफ के कानपुर के ऊपर थप्पड़ देती है। फिर रास्ते में वो डल्टन को बताती है कि वो मेरे डैड थे, वो ब्रायन के पापा के इशारे पर काम करते हैं। इस शहर में ब्रायन के बाप का बहुत पैसा लगा है, आजकल वो जेल में है, तुम्हें सच में ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर जब रात को डल्टन अपनी ड्यूटी कर रहा था तब उससे मिलने के लिए ब्रायन आता है। डल्टन कहता है अब तू मुझे धमकाने आया है। ब्रायन कहता है अगर तू बिकाऊ होता तो मैं तुझे खरीद लेता। फिर वो उसको अपने फोन में उसी की फाइट की वीडियो दिखाता है जिसमें डल्टन अपने ही एक दोस्त के साथ लड़ रहा था। ब्रायन कहता है जब तुम्हारे दोस्त ने हार मान ली थी तो तुमने उसको जान से क्यों मारा, तुम चाहते तो रुक जाते लेकिन तुम उसे लगातार मारते रहे, तुम आखिर रुके क्यों नहीं। डल्टन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर ब्रायन वहाँ से चला जाता है। रोड हाउस के बाहर वो नॉक्स के पास जाता है और कहता है अब तुम्हारे जो जी में आए वो करो। फिर नॉक्स छपरियों को कहता है चलो बच्चों, अपुन ने कई सालों से गोल्फ नहीं खेला है। फिर वे सभी बार के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर नॉक्स तोड़फोड़ शुरू कर देता है लेकिन डल्टन बैठा बैठा सब कुछ देखता रहता है। वो बूढ़ों को गाना बंद करने के लिए कहता है लेकिन वे गाना बंद नहीं करते। बिली और रीफ उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको भी पीट देता है। नॉक्स अकेला ही कई लोगों के बराबर था। फिर उसको देखकर बार में शराब पीने वाले लोगों को भी जोश आ जाता है। फिर उनके और गुंडों के बीच में लड़ाई होने लगती है। सभी पूरी तरह से तोड़फोड़ करते हैं लेकिन डल्टन अभी भी बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। फिर जब नॉक्स डल्टन को आवाज लगाता है तो डल्टन उससे मिलने के लिए खड़ा हो ही जाता है। वो नॉक्स को कहता है भौंक। नॉक्स कहता है अब मैं तेरी सबके सामने धुलाई करूंगा तभी तू सुधरेगा। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। नॉक्स डल्टन को खूब पीटता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि डल्टन जानबूझकर मार खा रहा है और उसको उसकी मार से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। नॉक्स डल्टन को पीटता पीटता बाहर ले जाता है।
डाल्टन बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एली आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस भेजने के लिए कहती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने ऑलरेडी भेज दी है। फिर वो डाल्टन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस बार में इतना कुछ हो गया था लेकिन मजाल है उन बूढ़ों ने गाना गाना बंद किया हो। तभी डाल्टन बोट में जाकर अपना सामान पैक करता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके पास फ्रैंकी आती है। वो कहती है मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि ब्रायन का बाप मुझसे ये रोड हाउस छीनना चाहता है। मेरे रोड हाउस के आगे और पीछे सारी जमीन उसके बाप की ही है। वो ये रोड हाउस तोड़कर यहाँ पर एक बड़ा सा फालतू रिजोर्ट बनाना चाहता है, लेकिन मैं अपना रोड हाउस नहीं बेचना चाहती। डाल्टन कहता है नहीं बेचना तो मत बेचो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। फ्रैंकी कहती है तू उन लोगों से इतना डर गया कि इस शहर से मुंह छुपाकर भाग रहा है। डाल्टन कहता है मैं इतना डर गया तू सोच भी नहीं सकती। फिर वो चार्ली के बुक सेंटर के सामने बने हुए बस स्टॉप पर जाता है। तभी वो देखता है कि चार्ली का बुक सेंटर जलकर राख हो चुका है। फिर वो अंदर जाकर पूछता है चार्ली और उसका बाप कहाँ है। अंदर एक आदमी बताता है कि उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब इस चक्कर में उसकी बस भी मिस हो जाती है। फिर वो ब्रायन के अड्डे पर जाता है। वहाँ उसे विंस मिलता है। विंस कहता है तो तुझे हमारा मैसेज मिल गया। डाल्टन कहता है तुझे पता है मैं यहाँ से जा ही रहा था। इतने में विंस उसके ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन डाल्टन उसे एक पंच मारकर उसके गले की हड्डी तोड़ देता है। फिर वो सांस नहीं ले पाता और स्विमिंग पूल में गिरकर मर जाता है। डाल्टन कहता है मैं इसलिए इस शहर से जा रहा था कि कोई तेरे जैसा आदमी मेरे गुस्से के सब्र को ना तोड़ दे। अगर मेरा सब्र टूटा तो उसके बाद क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। फिर वो उसकी बॉडी को ट्रक में रख लेता है। वहाँ पर एक और छपरी खड़ा था। वो कहता है बॉस अपन ये शहर छोड़कर जा रहा है, अपन तो बाइक चलाने के वास्ते इस गैंग में शामिल हुआ था। डाल्टन पूछता है ब्रायन कहाँ है। छपरी बताता है कि अपन ने उसके खास मंत्रों को बात करते सुना था कि कल सुबह 5 बजे उसने कोई मीटिंग रखी है। वो अपने काम के वास्ते पैसों का जुगाड़ कर रहा है और हाँ थैंक यू अपन को नहीं टपकाने के लिए। फिर वो उस बॉडी को अपनी बोट में ले जाकर बर्फ में रख देता है। फिर सुबह जब मीटिंग खत्म होती है तो एक पुलिस वाला नोटों से भरा हुआ बैग लेकर बोट की तरफ जाता है। फिर डाल्टन चुपके से उसके पीछे जाता है और उसके सिर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर वो उस बैग को छिपा देता है और उस बोट को चालू करके समुद्र की तरफ छोड़ देता है। फिर वो वहां पर विंस की बॉडी रखता है और उस पुलिस वाले की गन से उस पर गोलियां चला देता है। पुलिस वाला पूछता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। डाल्टन कहता है मैं फंसना नहीं चाहता था, कल रात मैं गुस्से में था। पुलिस वाला कहता है मैं सबको बता दूंगा कि तूने इसे मारा है। फिर डाल्टन एक डंडा उठाता है और कहता है शायद यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सुबह तुझे मुश्किल से ही याद आएगा। फिर वो उस डंडे से पुलिस वाले की खोपड़ी खोल देता है। फिर वो 911 पर कॉल करके कहता है मैंने हार्वेस्ट की पर एक लाश देखी है, लेकिन उसके पास में एक घायल पुलिस वाला भी है, जल्दी पहुंच जाइए शायद पुलिस वाला बच जाए। फिर जब डाल्टन अपनी बोट पर था तो शेरिफ उससे मिलने आता है। वो कहता है ब्रायन ने मेरी बेटी को उठा लिया है, बदले में वो पैसे मांग रहा है। डाल्टन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। शेरिफ कहता है मुझे उस घायल पुलिस वाले ने सब कुछ बता दिया है, पैसे तेरे ही पास हैं और ब्रायन को लगता है वो मेरे पास हैं क्योंकि मैंने ही अपने आदमी को पैसे लेकर भेजा था। देख डाल्टन तू कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा ले। डाल्टन पूछता है पैसे कहाँ लेकर आने हैं। फिर वो एली के बॉयफ्रेंड की बोट चुराता है और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है शेरिफ ने ही ये बोट लाने को कहा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है अगर मेरी बोट पर एक भी स्क्रैच पड़ा तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। डाल्टन कहता है पानी में स्क्रैच कैसे पड़ेंगे घोंचू। तभी दूसरी तरफ नॉक्स ब्रायन के अड्डे पर जा रहा था। उसे कार चलानी तो आती है लेकिन रोकनी नहीं आती। जब वो अड्डे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता क्योंकि सभी लोग ब्रायन के साथ उसकी बोट पर गए थे। फिर डाल्टन भी वहां पहुंच जाता है। जैक और सैम उसको ब्रायन के पास लेकर जाते हैं। वहां पर शेरिफ भी बैठा हुआ था। ब्रायन पूछता है मेरे पैसे कहाँ है। डाल्टन कहता है शेरिफ की शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि इसकी बेटी किडनैप हुई है। शेरिफ कहता है वो तो मैंने तुम्हें झूठ कहा था, इसका मतलब डाल्टन के साथ मौके पर धोखा हो गया था। तभी ब्रायन कहता है मैंने एली को सच में उठा लिया है, अब ये तो धोखे पर धोखा हो गया। फिर शेरिफ गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन सैम उसको बैठने के लिए कहता है। ब्रायन कहता है पैसे लेकर आ और एली को लेकर जा। तभी वे देखते हैं पीछे से एक और बोट आ रही थी, उसमें नॉक्स बैठा था। ब्रायन कहता है इस पागल को बोट पर मत आने देना। तभी डाल्टन कहता है अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे एक पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आने वाला है। फिर वो ट्रिगर दबाता है और एली के बॉयफ्रेंड की बोट उड़ा देता है। ये धमाका इतना जोर का था कि बोट पर सभी लोग घायल हो जाते हैं। फिर डाल्टन एली को ढूंढने जाता है। वो नीचे कैबिन में बंद थी और कांच तोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी डाल्टन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। इतने में कांच भी टूट जाता है और अचानक से तेज प्रेशर में पानी बोट के अंदर घुस जाता है। फिर एली और डाल्टन बोट से बाहर आ जाते हैं। फिर ब्रायन एली को अपनी बोट पर खींच लेता है
और बोट को वहां से भगा लेता है। तभी नॉक्स डेल्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल्टन उसकी बोट पर चढ़ जाता है और उसे ही नीचे फेंक देता है। नॉक्स बोट के पीछे बंधी हुई रस्सी पकड़ लेता है। तभी ब्रायन देखता है डेल्टन पीछे आ रहा है, वो उसको मारने के लिए अपनी बोट घुमा लेता है। जब बोट की टक्कर होती है तो डेल्टन उछलकर ब्रायन की ही बोट में आ गिरता है। फिर वो ब्रायन की पिटाई करता है। बोट की स्पीड तेज थी, इसलिए वो सामने बनी बिल्डिंग से टकराने वाली थी। तभी एली और डेल्टन नीचे कूद जाते हैं। वो बोट उछलकर रोड हाउस की छत पर जा टकराती है। तभी नॉक्स भी पानी में बने ब्रिज के ऊपर आ जाता है। फिर वहां वो एक गाड़ी रुकवाता है और उसे छीन लेता है। दूसरी तरफ डेल्टन ब्रायन को ढूंढ रहा था। तभी ब्रायन मछली पकड़ने वाली गन से डेल्टन के ऊपर वार करता है। डेल्टन कहता है, साले तूने मुझे मछली समझा है क्या? फिर वो ब्रायन को पीटने लगता है। तभी वहां नॉक्स भी आ जाता है। डेल्टन पूछता है, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। वे दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, क्योंकि दोनों ही एमएमए फाइटर थे। डेल्टन नॉक्स का टाइटली गला पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं। फिर नॉक्स के हाथ में नुकीली लकड़ी लग जाती है। फिर वो उस लकड़ी को डेल्टन के पेट में मार देता है। इतने में वहां पर ब्रायन भी आ जाता है। वो नॉक्स को कहता है, अपना काम पूरा कर दे, मार दे उसको। फिर वो खिसकी खोपड़ी ब्रायन को ही मार देता है। फिर वो एक और नुकीली लकड़ी उठाता है और जैसे ही डेल्टन को मारने जाता है, डेल्टन उसके हाथ से वो लकड़ी छीन लेता है और उससे उसी के ऊपर 8-10 बार वार करता है। वो खिसकी खोपड़ी टपक जाता है। तभी वहां पर शेरिफ आता है। वो डेल्टन को कहता है, यहाँ से जाने में ही भलाई है, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर एली भी उसे जाने को कहती है। फिर नेक्स्ट डे रोड हाउस की साफ सफाई शुरू हो जाती है। फ्रैंकी और उसके साथियों को विश्वास था कि वो जल्द ही इस जगह को वापस पहले जैसी बना देंगे। डेल्टन चार्ली की बुक शॉप के सामने बैठकर बस का इंतजार करता है। तभी वहां पर चार्ली आ जाती है। वो पूछती है, क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हो? डेल्टन कहता है, हाँ, कहानियों का दी एंड ऐसे ही होता है। चार्ली के पापा जब अपनी शॉप के अंदर जाकर देखते हैं, तो उन्हें वहां पर एक बड़ा सा सूटकेस मिलता है जो नोटों से खचाखच भरा हुआ था। फिर जब वो डेल्टन से मिलने के लिए बाहर आते हैं, तो देखते हैं बस वहां से रवाना हो चुकी थी। बिली रीफ से पूछता है, अपना हीरो कहां गया होगा? लेकिन शायद इस बात का जवाब तो अपने हीरो के पास भी नहीं था। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की बेहतरीन मूवीज आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।